जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वास्थ्य और सुखी जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। सावन के महीने में ही क्यों की जाती है शिव की पूजा? क्यों किया जाता है उनके ऊपर जलाभिषेक? क्यों माना जाता है सावन को सबसे पवित्र महीना? ऐसा क्या कारण है? इन सभी सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। अगर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये प्रश्न आया कि आखिर सावन का महीना उपयुक्त क्यों है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तो साथियों बता दें, सावन का महीना एक पवित्र महीना है। इस सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। लेकिन सावन का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए क्यों चुना गया? इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था, सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने उस विष को धारण कर लिया था। जब भगवान शिव ने उस विष को धारण कर लिया था तो उनके पूरे शरीर के अंदर बेहद गर्मी, बेहद ताप और अग्नि उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उनकी जो अवस्था है उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो भगवान इंद्र ने जब इतना व्याकुल देखा भगवान शिव को, तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी वर्षा की। जितना अधिक भगवान इंद्र ने जल उनके ऊपर बरसाया कि उनके अग्नि और ताप में बहुत आराम मिला। माना जाता है तभी से ही भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने की परंपरा भी चल पड़ी है, क्योंकि वो सावन का ही महीना था। सावन के महीने में ही चारों ओर हरियाली होती है और आप देखते हैं कि बारिश होती ही रहती है। इंद्रदेव की कृपा समस्त पृथ्वी पर, समस्त सृष्टि पर बरसती ही रहती है। जिस प्रकार इंद्रदेव ने भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ के ताप को शांत किया था, ठंडा किया था, उसी प्रकार मान्यता है कि जितने भगवान शिव के भक्तजन हैं वो गंगा जल से अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जो भी सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करता है, भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना सारी पूरी करते हैं। भगवान शिव को आप जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, कोई भी वो चीज़ें सफ़ेद फूल चढ़ाएं जिससे कि भगवान शिव को ठंडक प्रतीत हो, तो वो उनके लिए शुभ कार्य होती है और हमारे लिए मंगलदायी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी भगवान शिव के बारे में। भगवान इंद्र की भी कृपा हमारे पूरे देश पर बनी रहे, सब स्वजनों पर बने रहे और भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।